गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम दो दिन से साबूतारा में थे और उसकी सब डिटेल्स आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखी होगी। अब आज भी हम साबूतारा में रुकने वाले हैं, बट एग्जैक्टली साबूतारा में नहीं, बट साबूतारा सिटी से 5 किलोमीटर दूर साबूतारा टेंट सिटी करके एक जगह है, वहाँ रुकने वाले है। और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस तरह से कोई टेंट में रुकेंगे। तो उसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हम कौन से टेंट में रुकने वाले हैं, यहाँ कितने टाइप के अलग अलग टेंट है, क्या रेट है, फूड कैसा है, एक्टिविटी के क्या क्या ऑप्शन है और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ रुकने का, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह पार्किंग एरिया है, तो यहाँ आराम से आप आपका व्हीकल पार्क कर सकते हो। यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो आफ्टरनून 12 बजे का है और चेकआउट टाइम है वो मॉर्निंग में 10 बजे का है। यहाँ अगर आप रुकते हो तो पैकेज का जो रेट होता है उसके अंदर लंच, हाई टी, डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये जो जगह है वो साबूतारा सिटी से बहुत दूर है। तो आप यहाँ पे रुको और लंच डिनर करने के लिए, फूड के लिए बाहर जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी एक चीज़ ध्यान में रखना जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है, कि यहाँ पर जो फूड है वो प्योर वेज ही मिलता है, नॉनवेज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इस टेंट में रुकने वाले हैं जो कि एसी लग्जरी टेंट है। तो ये टेंट अंदर से कैसा दिखता है वो पहले देख लेते हैं। ये एसी लग्जरी टेंट एक्चुअली 4% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे 2 डबल बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एसी लगा हुआ है, फिर भी टेबल फैन लगा हुआ है, ज़्यादा गर्मी लगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड गैजेट चार्ज करने के लिए ऊपर बॉल लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ एक मिरर भी है और वॉशरूम कुछ ऐसा दिखता है। बाकी बार यहाँ पे इस तरह से चेयर लगी हुई है, तो बाहर बैठ के भी आप रिलैक्स हो सकते हो। तो हमारा टेंट कैसा है वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी लंच का टाइम हुआ है तो पहले जाते हैं लंच करते हैं, और लंच करने के बाद में बाकी कितने कैटेगरी के अलग अलग टेंट है वो सब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी टाइम हुआ है 1 PM और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। यहाँ चेक इन करने के बाद एसी में आधा घंटा बैठे, अच्छा लगा क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो अभी एकदम मामला सेट है, तो अभी 1 बजा है और जा रहे हैं लंच करने। लंच का एक्सपीरियंस हमारा कैसे रहता है वो बाद में बताएंगे। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है, तो जो भी टूरिस्ट टेंट सिटी में यहाँ पे रुकते हैं उन सबको लंच, डिनर, टी या ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे ही आना पड़ता है। देखिए, खाने में स्वीट में गुलाब जामुन है, गरम गरम रोटी है, मिक्स वेज की सब्जी है, मूंग की सब्जी है और दाल और राइस है, राइस बाद में लेंगे, और पापड़ है, और साथ में मस्त छाछ भी है। यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये पूरा डाइनिंग एरिया है या जिस तरह से ये खाना सर्व करते हैं वो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। और जब हम चेक इन कर रहे थे तब रिसेप्शन पे बिपिन भाई थे जो यहाँ सब मैनेज करते हैं, वो हमें ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ फूड ऐसा है कि फूड की वजह से ही पूरी प्रॉपर्टी चलती है। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि ये खुद ही तारीफ कर रहे हैं, तो सच में पता नहीं कैसा होगा। बट बिलीव मी, ये खाना बिल्कुल घर जैसा था। यहाँ आपको ज़्यादा मसाले वाला या तीखा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, जो भी था वो सिंपल था बट टेस्टी था। तो हमने अच्छे से यहाँ फूड एंजॉय किया और सब अच्छा लगा हमें। एनीवे, अब आपको बाकी के टेंट दिखाते हैं। तो ये एकदम बेसिक टेंट है, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मैक्स 2% अलाउड है और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2% आराम से सो सकते हैं। इस एरिया में ये जितने भी टेंट दिख रहे हैं वो सब मैंने दिखाया ऐसे सेम कैटेगरी के बेसिक टेंट है। 2% का टेंट मैंने दिखाया आपको, अभी ये जो टेंट है 3% के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हो ये टेंट का लेवल ज़मीन से थोड़ा ऊपर है और इसमें 3% आराम से रह सकते हैं, और इसमें लाइट का बल्ब, इलेक्ट्रिक बोर्ड और कूलर ये सब मिलेगा। अब ये जो टेंट है वो 3% का अभी हमने देखा ऐसा सेम कैटेगरी का टेंट है, बट ये 5% के हिसाब से है तो इसमें 5 लोग आराम से रह सकते हैं। एंड सेम लाइट का बल्ब, इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड कूलर इसमें भी मिल जाएगा। और ये सेम कैटेगरी का टेंट है बट इसके अंदर 10 लोग आराम से रह सकते हैं। देखिए, और लास्ट में बारी आती है एसी लग्जरी टेंट की, जो कि सेम टेंट के अंदर हम रुके हैं, और वो कैटेगरी के 10 टेंट है, ऊपर आपको दिखता होगा। और अंदर से कैसा दिखता है वो टेंट वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि एसी लग्जरी टेंट है
उसमें ही आपको वॉशरूम टेंट के साथ अटैच मिलेगा। बाकी अभी जितने भी टेंट मैंने आपको दिखा है वो सब में वॉशरूम सेपरेट मिलेगा, मीन्स कॉमन वॉशरूम बना हुआ है यहाँ, वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी टाइम हुआ है 4:15 PM और अभी हम निकल रहे हैं हाइटी के लिए, और वो करने के बाद जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आगे अपडेट करेंगे। तो अभी जाते हैं, पहले चाय पीते हैं। अभी जो एटमॉस्फेयर है वो भी पूरा चेंज हो गया है, बहुत धूप थी जब हम आए थे तब, दोपहर का टाइम था, तो अभी एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, शायद बारिश भी हो सकती है, तो थोड़ा ठंडक हो गया तो अच्छा है, अभी और मज़ा आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस तरह से अलग अलग जगह पे स्विंग लगे हुए हैं, तो यहाँ नेचुरल एयर में ग्रीनरी को देखते हुए मस्त रिलैक्स हो सकते हैं, और यहाँ फोटोग्राफी के लिए भी इतनी मस्त मस्त जगहें बनाई है अलग अलग जगह पे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा प्लानिंग ऐसा है कि कल मॉर्निंग में चेकआउट का टाइम हमारा 10 बजे का है, उससे पहले हम फोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि अभी चाय पीने के बाद सब एक्टिविटी करेंगे उसमें ही आई थिंक अंधेरा हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टी इतने बड़े एरिया में फैली हुई है और आसपास इतनी ग्रीनरी है, तो आप जंगल के बीच में रह रहे हो ऐसा फीलिंग आता है। एंड ये कितना बड़ा एरिया है उसका मैं एक आइडिया दूँ आपको, तो हमारे टेंट से निकल के हमको डाइनिंग एरिया तक चलते चलते पहुँचने में भी अप्रोक्स 5 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आपकी वैसे चलने की एक्सरसाइज यहाँ पे मस्त हो जाएगी, इतना बड़ा एरिया है ये। एनीवे अभी चल के चाय पीते हैं। तो चाय पी ली हमने और अब टाइम है एक्टिविटी का। ये एक्टिविटी एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो बैठने की मस्त जगह बनी हुई है और स्विंग भी लगे हुए हैं, और यहाँ एक्टिविटी में आर्चरी, जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, रोप बैलेंसिंग, टायर वॉल क्लाइंबिंग, रेबलिंग फ्रॉम टायर वॉल और बॉडी जर्पिंग बॉल जैसी एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा डिनर के बाद यहाँ कैंप फायर, ग्रुप गेमिंग एंड डीजे गरबा भी होता है। अभी मेन बात यह है कि हमने ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी पहले कभी की नहीं है, तो अभी देखते हैं कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हार्नेस पहना के पूरे प्रिकॉशन के साथ एक्टिविटी कराते हैं एंड गाइड भी हमको अच्छे से गाइड करते हैं। ऑब्वियसली ये देखने में इजी लगता है, बट ऊपर जब जाते हैं तब थोड़ा डर तो लगता है, तो हम दोनों ने जितना हमको ठीक लगा उतना किया, बट मज़ा बहुत आया। एक्सपीरियंस खतरनाक रहा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया, बस सच में करने के टाइम में डर लगता है, पर करने के मतलब करते करते भी अच्छा लगता है, एक तरफ डर भी लगता है अच्छा भी लगता है, और करने के बाद तो ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ कर दिखाया। यहाँ वैसे बाकी टूरिस्ट जब एक्टिविटी करते हैं तो वो भी देखने में भी मज़ा आता है, और एक तरफ ये इवनिंग का टाइम है तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है वो भी बहुत ऑसम है, तो यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। अभी ये सब करते करते डिनर का टाइम भी हो गया, और यहाँ लंच एंड डिनर के क्या टाइमिंग्स है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। डिनर में पाव भाजी एंड पुलाव कढ़ी था विथ पापड़ एंड छाछ, जो कि एज एक्सपेक्टेड अच्छा था। जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ एक्टिविटी एरिया में गरबा बजना स्टार्ट हो गया था, एंड पहले कोई टूरिस्ट गरबा कर नहीं रहा था, बट यहाँ के स्टाफ से ही दो लोग ने इस तरह से गरबा करना स्टार्ट किया, और फिर एक के बाद एक सब ने मिल के गरबा किया। मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने कब गरबा किया होगा, बट यहाँ इतना मस्त माहौल था तो मैंने भी 2 चक्कर लगा ही लिए, और सच में मज़ा आ गया। गरबा के बाद यहाँ ग्रुप गेम हम खेले, जिसमें स्टार्ट हुआ था म्यूजिकल चेयर से, एंड उसके बाद एक के बाद एक यूनिक, पहले मैंने कभी नाम ना सुना हो और देखी ना हो ऐसी गेम हम खेले, जिसमें हुलाला नाम की एक गेम थी जो कि खेलने में बहुत मज़ा आया, और कितना भी सीरियस आदमी हो ये सब गेम खेल के उसके फेस के ऊपर स्माइल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी सब कॉमेडी से भरपूर गेम थी, तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। एंड लास्ट में जिसको जैसा डांस आता हो ऐसा सबने मिलकर डीजे पे डांस किया, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये एक के बाद एक सब एक्टिविटी हमने की, तो 4 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम था वो कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, तो ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। अभी इतना थक गए हम कि जैसे ही टेंट में जाएंगे तो कैसे नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में।
तो अभी ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है हमारा टेंट सिटी में, और ये मॉर्निंग का व्यू देखिए। अभी टाइम हुआ है 8 AM। अलग अलग पक्षियों की इतनी मस्त आवाज़ आ रही है तो उससे ही हम उठ गए। आज एक्चुअली थोड़ा लेट उठे हम, क्योंकि 2 दिन से मैं जल्दी जल्दी उठ रहा था तो आज थोड़ा लेट उठे। अभी बस जाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपसे शेयर करेंगे और बाद में चेकआउट करेंगे। देखिए टेंट सिटी में रहने का हमारा एक्सपीरियंस तो हम शेयर करेंगे, पर हमारे साथ ये दूसरे एक टूरिस्ट है जो आए हैं अंकलेश्वर से आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने का कैसा रहा, बताइए। हाँ, तो यहाँ टेंट सिटी में ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, खाने के हिसाब से, रहने के हिसाब से, और स्पेशली फॉर नाइट ग्रुप गेमिंग, और जब डीजे पे गरबे खिलाए और फिर बढ़िया सा अपने फेवरेट सॉन्ग पे जो डांस करने का और ग्रुप गेमिंग का जो मज़ा आया वो एकदम बढ़िया सा नाइट रहा है, तो रियली एन्जॉयबल है। और स्टाफ सपोर्ट का भी फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है, इस हिसाब से कि भी जो भी कस्टमर या जो भी आए हैं तो बोर ना हो, तो इस हिसाब ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि हम एक दूसरे को कल तक पहचानते नहीं थे, और कल रात को पहले तो डीजे बजा और कोई उठ के डांस या गरबा कर नहीं रहा था, तो उनके ही स्टाफ के दो लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद में एक के बाद एक जितने भी टूरिस्ट थे वो सबको उन्होंने उठाया, गरबा कराया, डांस कराया, गेम खिलाई, तो वो क्या है कि वो सब की वजह से हमको अकेला नहीं लगता। उनके इंटरेस्ट हमारे से ज़्यादा ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम सभी जो भी आए उनको इन्वॉल्वमेंट के लिए एक साथ लेके गरबा रम खेले, तो और भी उनका ग्रुप कम्युनिकेशन अच्छा हो, और गेम भी जो खिलाई वो एकदम यूनिक थी, यूनिक गेम थी एकदम, हमने पहले कभी ऐसी गेम तो नहीं देखी थी, मज़ा भी आ गया। ब्रेकफास्ट में पोहा, ब्रेड बटर जाम और चाय थी। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और कुछ फोटोग्राफी की, और अभी चेकआउट का टाइम है तो चेकआउट करेंगे। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं बता देता हूँ। वैसे वो टूरिस्ट ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया वो तो आपने सुना ही होगा, तो सेम वैसा ही एक्सपीरियंस हमारा रहा। ओवरऑल मैं बताऊँ तो कल हम आए और लंच किया, उसके बाद थोड़ा आराम किया, और 4 बजे के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो रात को 11:30 बजे तक हमने फुल एन्जॉय किया, कहाँ पर टाइम चला गया वो पता ही नहीं चला। और ओवरऑल जो भी यहाँ पे एम्बियंस है, जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं या फूड की क्वालिटी, वो सब एकदम बढ़िया था, सर्विस और सबका नेचर, बस सब कुछ अच्छे से रहा, तो फुल एंजॉय किया हमने, फुल पैसा वसूल हो गया हमारा। और मैं ये भी बता दूँ, मैंने पहले बताया था, नहीं बताया था पता नहीं, पर हमने यहाँ पे 4,500 रुपीज़ पे किया 1 नाइट का, सब मील इंक्लूडेड और सब एक्टिविटी इंक्लूडेड, तो ये हम पर कपल ड्यूअल ऑक्यूपेंसी का मैं बता रहा हूँ। और हम जिस लग्जरी टेंट में रुके हैं वहाँ पे 4 ऑक्यूपेंसी का टेंट है ये, पर हम तो 2 ही लोग रुके हैं, बाकी पर हेड 1500 रुपये का रेट होता है चारों दिन में, सैटरडे संडे का अलग होता है, तो अगर 4 लोग रुकते तो 6,000 रुपीज़ होता, पर हम 2 ही लोग थे तो हमको 4,500 रुपीज़ पे करना पड़ा। पर अभी हम चेकआउट कर रहे हैं उस टाइम पे मैं अगर सोचूं तो पूरा पैसा हमारा वसूल हो गया, ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो बिंदास, बहुत आप एंजॉय करोगे, और सैटरडे संडे आओगे तो थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया कि हम मंडे को आए हैं और नेशनल हॉलीडे है, तो उस वजह से हमारा रेट कम लगा, बाकी मैंने फ़ोन करके पूछा था यहाँ से आने से पहले, तो ये सेम टेंट का हमको 8,000 रुपीज़ पे करना पड़ता अगर हम सैटरडे संडे आए होते तो हमको सिर्फ 4,500 रुपीज़ में ये सब करने को मिल गया। अभी इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।